खुशी में तब्दील करें, यही मेरा आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सिन्हा जी, नेक्स्ट स्पीकर। सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी को बधाई देता हूं, उन न्यूनताओं को दूर किया जिन न्यूनताओं के कारण हमारे वनवासी भाइयों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, वहां देश के ट्राइबल का 2.3% ट्राइबल रहते हैं, और सबसे दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि 17% ट्राइबल, जो खुद वहां की सरकार का आंकड़ा है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। बस्तर में अकेले इसकी संख्या बहुत बड़ी है जो लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 6,000 लोग ऐसे हैं जो सीवियर माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद से ट्राइबल अफेयर्स में क्या बुनियादी परिवर्तन हुआ है। यदि उन बुनियादी परिवर्तन को राज्य सरकारों ने ईमानदारी से लागू किया होता तो आज छत्तीसगढ़ की वो स्थिति नहीं होती। सभापति महोदय, 2013-14 में ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत डेवलपमेंट एक्शन फॉर SC/ST के अंतर्गत देश के 41 ट्राइबल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से 4.3% से लेकर उनके बजट का 17.5% ट्राइबल के अफेयर्स में खर्च करने के लिए सरकार दे रही है। जो बजट 2013-14 में 21,000 करोड़ का था, वह 2023-24 में 1,00,000 करोड़ से अधिक हो गया, यानी 5.3% की वृद्धि, 5.3% की वृद्धि हुई, पांच गुना बढ़ा। 21,000 करोड़ से भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,00,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया। सभापति महोदय, दो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं इस संबंध में कि ट्राइबल समाज की जब बात होती है तो उनके अस्तित्व और अस्मिता दोनों ही सवालों के घेरे में आजादी के बाद रहा। जब अंग्रेजों का शासन था, 1872 में पहला सेंसस हुआ, तो पहले सेंसस से लेकर 1911 तक उनके लिए एनिमिस्ट शब्द का यूज होता था, जो बहुत ही उनके लिए कंटेंप्ट के साथ उपयोग होता था। औपनिवेशिक शासकों ने एनिमिस्ट शब्द कहकर 1921 से ट्राइबल शब्द का उपयोग शुरू हुआ है, लेकिन आजादी के बाद जो भारत सरकार की स्थिति थी, उसको एक ट्राइबल स्कॉलर जो वाइस चांसलर रह चुके थे, रामदयाल मुंडा जी ने एक पंक्ति में उसको उद्धृत किया था। सरकार की योजनाएं आती थी कांग्रेस सरकार के दौरान, ट्राइबल सब प्लान भी था। आज मेरे मित्र नहीं है, यदि ट्राइबल अफेयर्स पर वे बोलते और अपनी सरकारों के दौरान जो काम किया वो चूंकि बोल नहीं सकते थे, इसलिए आज ट्राइबल के मामलों में वे बहस में हिस्सेदारी नहीं दिखा रहे। रामदयाल मुंडा ने कहा था, यू आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम, यानी जहां आप पैसा दे रहे हैं लेकिन वह पैसा जितना दे रहे हैं उससे अधिक पैसा बाहर निकल रहा है। उस रामदयाल मुंडा के उस कथन को जो कांग्रेस सरकार को प्रतिबिंबित करती थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सिस्टम को दुरुस्त किया है। मैंने दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे मालूम है समय नहीं है। जब मैंने कहा अस्तित्व और अस्मिता, जहां बजटरी एलोकेशन बढ़ा है 2022-23-24 में 12,000 करोड़ का एलोकेशन है, अगले तीन साल में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 15,000 करोड़ का, प्लीज कंक्लूड राकेश, आई एम कंक्लूडिंग, 15,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। जहां तक अस्मिता की बात है, दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण देश के लिए। ट्राइबल का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को पहली बार 2014 के बाद से, खास करके अमृत महोत्सव के समय में सामने आया। कोई देश जानता नहीं था कि खासी हिल्स का यू टिरोट सिंह कौन है, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कोई जानता नहीं था बिरसा मुंडा की भूमिका को, हम जानते थे लेकिन सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इसे मैं कहना चाहता हूं, टाइम अलॉटेड इज ओवर, इसे मैं कहना चाहता हूं कि आदि महोत्सव
शुरू करके दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने जो आदि महोत्सव शुरू किया उसमें लगभग 1000 ट्राइबल ने भागीदारी दिखाई, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी अस्तित्व और अस्मिता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि इन योजनाओं के द्वारा अगले समय अगले वर्षों में ट्राइबल समाज की स्थिति धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज जी के वासन जी। बिल एंड आई कंग्रेचुलेट